नमस्कार, मैं हूं वाई शिवम। पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। क्या मोदी सरकार डर गई है इस बात से कि जो रिटायर्ड नौकरशाह हैं वो उसके लिए खतरा बन सकते हैं? जो समय समय पर तमाम नौकरशाह, तमाम पेंशनर्स जो लगातार सरकार को घेरने का काम करते हैं, उससे सरकार डर गई है और अब उनसे बदला लेने के इरादे से पेंशन बंद करने की योजना है। सवाल यह है कि क्या भारत सरकार पेंशन बंद करना चाहती है? हम आज कार्यक्रम में यही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार ने उसकी एक रूपरेखा तैयार की है और ये रूपरेखा क्या खतरनाक है, क्या इससे नुकसान होंगे, किस तरह का इससे भविष्य में फायदा या नुकसान होने वाला है नौकरशाहों को, ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम में। उन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो कानूनी पहलू हैं जो सरकार कानून लेकर आ रही है। दरअसल भारत सरकार रिटायर्ड नौकरशाहों की पेंशन रोकने या रद्द करने के सारे अधिकार अपने पास रखने की तैयारी में है और ऐसा कर लिया है उसने। जुलाई के पहले हफ्ते में केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1958 में संशोधन कर दिया। नए संशोधन के हिसाब से अगर उसको देखें तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और आईएफएस अधिकारी किसी गंभीर अपराध में सजा पाते हैं या कदाचार के गंभीर मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उनकी पेंशन को केंद्र सरकार रोक सकती है, उसको रद्द कर सकती है, उसको बंद कर सकती है। ये तीन सरकारी सेवाएं ऐसी हैं जिनकी देश में सबसे ज्यादा मांग है और इसकी प्रतिष्ठा भी है। यह कहा जा सकता है कि सैलरी, सुरक्षा और पेंशन उसकी प्रमुख वजह भी हैं, क्योंकि इसमें ठीक ठाक पेंशन मिलती है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की पोस्टिंग अलग अलग राज्यों में होती है जहां वो अपनी अच्छी खासी कमाई करते हैं, अपना अच्छा खासा समय सेवा में व्यतीत करते हैं। उन्हें उनके राज्य के काडर में पहचाना जाता है, उनके उससे उनकी पहचान बनती है। पहले नियम था कि अगर केंद्र सरकार किसी व्यक्ति पर कार्रवाई शुरू करना चाहती है तो उसे उस राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती थी। रिटायर्ड अफसर जहां का काडर होता था वहां से उसको मंजूरी चाहिए होती थी। इसके बाद ही केंद्र सरकार अफसर की पेंशन को रोकने का फैसला ले सकती थी, ये पहले नियम था। संशोधन के बाद केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार की मंजूरी के जब फैसला लेगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी ताकत बढ़ेगी और इसको प्रभावित कर सकती है वो। नियमों में इस संशोधन को लेकर उन कई रिटायर्ड नौकरशाहों ने सरकार की आलोचना की है जो अक्सर सरकार की कार्रवाइयों और नीतियों पर सवाल खड़े करते रहते हैं। उन्होंने कहा है ये एक तरीके से आजादी छीनी जा रही है। 25 जुलाई को नागरिक अधिकार संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप से जुड़े 94 पूर्व नौकरशाहों ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया और उस पर हस्ताक्षर किए और सरकार से इस संशोधन को वापस लेने की मांग कर दी। उन्हें यह डर है कि यह नया संशोधन अस्पष्ट है और इसका इस्तेमाल रिटायर्ड सिविल सेवा के अफसरों की पेंशन पर तलवार लटका सकता है, उनके सार्वजनिक रूप से बोलने पर पाबंदी लगा सकता है, प्रतिबंध लगाने की एक प्रक्रिया है। क्या सरकार इससे डर गई कि ये नौकरशाह न बोले? नए नियम क्या कहते हैं? नए नियम कहते हैं कि अगर किसी रिटायर्ड अफसर को कोर्ट ने एक गंभीर अपराध में सजा सुनाई है तो उस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। ये नए नियम के मुताबिक है। इसके हिसाब से अगर एक अफसर को कोई सजा नहीं हुई है लेकिन केंद्र सरकार मानती है कि प्रथम दृष्टया अफसर गंभीर कदाचार का दोषी है तो सरकार उन्हें नोटिस देने के बाद उनकी पेंशन को बंद कर सकती है, खत्म कर सकती है। अफसर को नोटिस का जवाब देने का अधिकार दिया जाएगा, अधिकार होगा, वो जवाब दे सकता है। इन मामलों में सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा। नए नियमों में विस्तार से यह नहीं बताया गया है कि किस तरह के अपराध पेंशन बंद करने की वजह से उसमें इंप्लीमेंट हो सकते हैं, उसमें यूज होंगे। इसमें जिन गंभीर अपराधों का जिक्र किया गया है उसमें संवेदनशील सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा का एक जिक्र है, उसको सुनिश्चित करने का एक करने वाले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत माने जाने वाले अपराध को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें अन्य अपराधों को भी शामिल किया जा सकता है, ऐसी बात कही गई है। गंभीर कदाचार में उन सूचनाओं को उजागर करना शामिल है जो भारत के सार्वजनिक हित या सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। ये गंभीर कदाचार की बात है। कानून संशोधन में खुफिया या सुरक्षा से संबंधित विभागों की भी बात है, मसलन इंटेलिजेंस ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय ईडी और दूसरे जो इस तरह के विभाग हैं उसमें काम करने वाले रिटायर्ड नौकरशाहों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डालने की भी इसमें एक बात की गई है। इनसे जुड़े अधिकारी अपने विभाग से संबंधित किसी ऐसी सामग्री को प्रकाशित नहीं कर सकते या कोई संवेदनशील सूचना जाहिर नहीं कर सकते, ये भी इसमें कहा गया है। और ये कहा गया है कि ये सूचनाएं जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करें,
ऐसा करना गंभीर कदाचार माना जाएगा। इसके लिए उन्हें अपने विभाग के मुखिया से अनुमति लेनी होगी अगर वो कुछ लिखना चाहते हैं, छापना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। कुछ रिटायर्ड नौकरशाहों का कहना है कि ये संशोधन उनके बोलने की बुनियादी अधिकार को प्रभावित करता है, ये लोगों के बोलने की स्वतंत्रता छीनता है। कुछ अन्य लोगों का ये भी कहना है कि सरकारी मसले पर उन्हें अपनी विशेषज्ञता के आधार पर विचार रखने की आज़ादी होनी चाहिए, ये नियम ठीक नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार यह नियम लेकर क्यों आई है। दरअसल अगर आप हाल फिलहाल के दिनों में देखें तो इस तरह के तमाम रिटायर्ड नौकरशाहों ने सरकार की आलोचना की और इससे एक माहौल भी बनता है, लोग इन लोगों की बातों पर यकीन भी करते हैं, खबरें भी बनती हैं, सरकार को वो असहज करती हैं और इसलिए सरकार ने यह कहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, फिर आप करते रहिए सरकार की आलोचना। तो कहने वाली बात यह है कि क्या सरकार इन आलोचनाओं से डरी हुई है और वो हर उस स्वर को अलग अलग तरीकों से दबा देना चाहती है, बंद कर देना चाहती है जो उसको असहज करें। इस कानून पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या टिप्पणियां, जरूर कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया।